पिछली सुनवाई में मेरे काबिल दोस्त एंड डिफेंस लॉयर मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस सच के सामने चतुराई नहीं चलती। योना, मैं इस कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूं जो इस केस से झूठ का पर्दा हटाकर सच का नया चेहरा सामने लेकर आएंगे। ये चाहे कोई भी गवाह ले आए, मगर मैंने आपको इतने सबूत दिए हैं कि ये आपको इस केस को जीतने के लिए एक बच्चों का खिलौना होगा। सागर जी, शुरुआत में एक नए गवाह के साथ करना चाहता हूँ योना। इस नए गवाह का नाम है मिस्टर रईस शेख। ये रैंटॉक्स कंपनी में ही काम करते थे, एक सीनियर पोजीशन पे थे। क्या उन्हें यहाँ बुलाने की इजाजत है? सागर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सागर, बिना तुम्हें इन्फॉर्म किए किसी भी नए विटनेस को पेश नहीं कर सकता पलाश। डिफेंस लॉयर, नए गवाह की पेशी पर आपको कोई एतराज तो नहीं है? नो योर ऑनर, नो ऑब्जेक्शन। थैंक यू मिस्टर सागर चतुर्वेदी। आइए मिस्टर रईशेख। योना, ये विटनेस इस केस के लिए बहुत क्रिटिकल है। इनकी गवाही इस केस पर एक नई रोशनी डालने वाली है। योर ऑनर, मैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित था, इसलिए इनका नाम पहले कोर्ट को नहीं बताया। योर ऑनर, ये रईस शेख रैंटॉक्स कंपनी के चीफ अकाउंटेंट रह चुके हैं। रईस जी, आप रैंटॉक्स कंपनी में चीफ अकाउंटेंट की हैसियत से काम करते थे, राइट? तो आपको रैंटॉक्स कंपनी के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होगा। आप कोर्ट को बताइए, रैंटॉक्स कंपनी में अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते थे, क्या क्या लिखा जाता था उनमें, उनके बिजनेस डीलिंग्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता था? घबराइए मत मिस्टर शेख, आपको कुछ नहीं होगा, आप कोर्ट को सच बता सकते हैं। सर, मुझे दो रजिस्टर बनाने के लिए बोला गया था, एक दूसरों को दिखाने के लिए और एक सिर्फ कंपनी के लिए। आपने सुना है, दो दो रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे, एक झूठा जो लोगों को दिखाने के लिए था और एक सच्चा कंपनी के मालिकों के लिए। योर ऑनर, आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में मैंने मिस्टर सागर चतुर्वेदी से एक सवाल किया था, निर्धारित मात्रा से कहीं ज्यादा ओपीएम खरीदने का सवाल, जिसका जवाब शेख साहब ने दे दिया है। योर ऑनर, नकली अकाउंट्स बुक की कॉपी आपके पास है, अब मैं आपको असली अकाउंट बुक की कॉपी देना चाहता हूं। योर ऑनर, यह है उस असली अकाउंट बुक की कॉपी। योर ऑनर, इन अकाउंट्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि रैंटॉक्स कंपनी हर महीने 50 किलो अफीम एक्स्ट्रा मंगाती थी। अब इस 50 किलो अफीम से वो लोग विदेशी दवाइयां बनाते थे, ड्रग्स बनाते थे, या क्या धंधा करते थे, ये तो सिर्फ मिस्टर सागर चतुर्वेदी बता सकते हैं या फिर मिस्टर मल्होत्रा। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट के सामने और कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। That's all, Yon. Your witness. आप कुछ पूछना चाहेंगे? No, Your Honor, no objection. Your Honor, इस सीडी में उन तमाम लोगों के बयान हैं जिनकी जिंदगी नशे की लत ने बर्बाद कर दी, और उनकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे सिर्फ एक ही कंपनी का हाथ है, रैंटॉक्स फार्मास्यूटिकल। डिफेंस की तरफ से कोई एतराज न होने पर इस सीडी को एडिशनल एविडेंस के रूप में अदालत स्वीकार करती है। सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए इस गंभीर अपराध के लिए ये अदालत रैंटॉक्स कंपनी पर हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए का दंड सुनाती है और के एस मल्होत्रा और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मिस्टर सागर,
ये आपने क्या किया? आपके पास सारे सबूत थे, उसके बाद भी आप चुप रहे। मिस्टर सागर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कमरे में थी तो चल के आऊंगी ना, उड़ के तो आ नहीं सकती। यूपी 7822 आपके स्कूटर का नंबर है? अभी कौन चला था इसे? वो क्या हुआ प्रभा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ही अभी आए थे उस स्कूटर से? जी हाँ, पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन आप तो जींस पहने थे, ये पैंट? मैं तो पैंट पहनता हूं। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा बड़ा हो गया। यू हैव ग्रोन सागर माय सन। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया बेटा, और उसके लिए बहुत समझदारी, सेंसिटिविटी और बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है। खुद होकर अपनी हार मान लेना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। सही मायनों में आज जीत तुम्हारी हुई है। तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने पिता से कहीं ज्यादा अच्छे और काबिल लॉयर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, वेल डन। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया है सागर। आज तुम्हारे कारण मेरे हाथों में ये हथकड़ी लगी है। लूजर, किस बात का बदल लिया? तुम्हारे ससुर के कहने पर मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम्हारे पिताजी की रेपुटेशन को देखकर मैंने तुम्हें अपना वकील रखा, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में कानून की उतनी इज्जत है जितनी तुम्हारे फादर के दिल में। और क्यों ना हो, कानून की इज्जत करना, उसकी रक्षा करना तुम्हें विरासत में तो मिला है। थैंक यू फॉर यस्टरडे, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। इट्स ओके मिस्टर पराश, मैं वही किया जो ठीक था। तुम्हारी बातों ने इसका दिल बहुत दुखाया। आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज, आफ्टर ऑल तुम्हारी बचपन की दोस्त थी, मनाना तो पड़ेगा। गो फॉर इट। सागर ने अपने हिस्से की जीत अलास सर को दे दी। सागर ने ऐसा किया बस्ती के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। किसी को पता भी नहीं लग गया कि वो सारी सच्चाई जान के है। डर गए थे वो कि कहीं उनकी बेटी को गंगा समझकर उन बदमाशों ने हमला कर दिया तो। तब सागर भैया ने निरंजन बाबू से कहा कि गंगा की साड़ी पहनकर मैं चलता हूँ। तू तो गंगा का बचपन का दोस्त है ना, तो कोई है मतलब उसके जीवन में कोई है? जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ कोई नहीं। वो असल में मुझे मेरे पौलाश के लिए ऐसी गंगा जैसी लड़की चाहिए। मुझे पता भी नहीं है कि पौलाश को गंगा अच्छी लगती है कि नहीं, पर मैं चाहती तो हूँ कि पौलाश को गंगा पसंद आए।